जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नवरात्रि की जो चौकी है, जो हमने स्थापना की थी, उसे किस प्रकार से हमें उठाना चाहिए, विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए। तो अगर आपने जो है अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कर लिया है, तब भी आपको नवमी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि चौकी या दरबार जो है उसे दशमी तिथि पर ही उठाया जाता है। तो दशमी तिथि पर चौकी उठाने से पूर्व आप एक घी का दीपक जलाएं, माँ दुर्गा की पूजा करें और उसके बाद ही ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ दो प्रकार के दीपक जलाए, क्योंकि अभी नवरात्रि पूर्ण नहीं हुई है, तो ऐसे में मैं आपको चौकी पूरी तरह हटाकर नहीं दिखा सकती हूँ। मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको हटानी है। तो आपने जो है एक दीपक जला लेना है और उसके बाद सबसे पहले हमें कलश को वहाँ से हटाना है। अब किस प्रकार से हमें हटाना है, तो जो भी पुष्प इत्यादि आपने समर्पित किया उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा कर लें। जो कलावा आपने लपेटा है कलश पर, नारियल पर, उसे भी पुष्पों के साथ ही इकट्ठा कर लें। और उसके बाद जो है नारियल परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं, आप मंदिर में भी देकर आ सकते हैं। कलश में जो जल है उसका घर में छींटा देकर पौधों में डाल दें, और उसके अंदर जो सुपारी और हल्दी की गांठ आदि आपने रखी है उसे भी आप पुष्पों और कलावे के साथ एक जगह पर इकट्ठा कर लें। उसके बाद जो है आपने जो भी ये भोग प्रसाद माता रानी को समर्पित किया है, भगवान को समर्पित किया है, इसे परिवार के सदस्यों में आप बांट सकते हैं, स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये जो लड्डू गोपाल जी यहाँ बैठे हैं, इन्हें हम इनके स्थान से ये इसी प्रकार से उठाएंगे और इनका जो भी स्थान हमने निर्धारित किया हुआ है अपने मंदिर में, इन्हें वहाँ विराजित कर देंगे। माता रानी के समक्ष भी जो भी पुष्प इत्यादि हमने समर्पित किया है, जो माला हमने उन्हें चढ़ाई है, उन सभी को हम उसी जगह पर एकत्रित कर लेंगे जहाँ पर हमने कलश का सामान एकत्रित किया है। और इस प्रकार से जो है हम सबसे पहले, अब इसके बाद जो है गणपति महाराज को इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आगे पीछे करते हुए हम हिलाएंगे और उसके बाद जो है उन्हें उनके स्थान से उठाकर उन्हें उनके स्थान पर, जो उनका स्थान है मंदिर में, वहीं पर विराजित कर देंगे। अगर आपके यहाँ पर विसर्जन की प्रक्रिया है, यानी कि नई मूर्ति लाते हैं और उसके बाद उसका विसर्जन करते हैं, तो जहाँ आपने पुष्प कलावा इत्यादि सब एक जगह पर एकत्रित किया है, वहाँ पर आपको मूर्तियाँ भी एकत्रित करनी है और उनका जो है एक साथ ही विसर्जन करना है। अब जानते हैं जो हमने खेतरी बीजी है उसका हमें किस प्रकार से विसर्जन करना है। तो ये जो चुनरी वगैरह है इसे आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अलग से मंदिर में सजाने के लिए या अपनी चौकी पर सजाने के लिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो खेतरी है, इस खेतरी में से खेतरी निकाल कर जो ये मिट्टी का पात्र बचता है इसे रख लेते हैं और इसमें जो है पानी भरकर अपने घर की छत पर रख देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं और पूरा का पूरा पात्र जो है आप विसर्जन के लिए रख सकते हैं। 16 श्रृंगार का क्या करना है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा कि 16 श्रृंगार को हमें किस प्रकार से वितरित करना है। तो इस प्रकार से जो है हमें सभी सामान को जो है एक जगह इकट्ठा कर लेना है। अब जो हम चौकी हमने यहाँ लगाई है उसमें जो भी वस्त्र वगैरह बिछाए हैं उन सबको भी हमें उठा लेना है, और जो भी चावल हमने आसन दिया था जितने भी भगवानों को, वो जो चावल हैं उन्हें भी एक जगह एकत्रित कर लेना है। और उन चावलों को आप किसी भी पक्षी को, किसी भी जानवर को जो है डालकर आ सकते हैं। अब जैसे ही सब कुछ हट चुका होगा उसके बाद उस स्थान पर जो है गंगा जल का थोड़ा सा छींटा दे दें, ये इस बात का सूचक होता है कि अगली बार भी माता रानी इसी जगह पर आकर विराजित होंगे। हमने सामान एक जगह पर एकत्रित किया है, उसे हम जो है कहीं बाहर जाएंगे और थोड़ी सी मिट्टी खोद कर सारा सामान जो है उसी में जो है डालकर आ जाएंगे, ताकि हम नदी वगैरह में जाकर ना दे के आएँ, क्योंकि नदियाँ जो हैं इससे दूषित हो जाती है। तो इस प्रकार से नवरात्रि का जो है समापन पूर्ण होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस करें। अभी के लिए जय माता दी।